नमस्कार, आप देख रहे हैं News4Nation और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। राजद की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कार्यकारिणी की बैठक अगले साल होने जा रही है। ऐसे में राजद के इस महत्वपूर्ण कार्यकारिणी की बैठक की तिथि भी निर्धारित कर ली गई है। आने वाले साल यानी साल 2022 के फरवरी माह में 20 तारीख को राजद की तरफ से कार्यकारिणी बैठक पटना के मौर्य होटल में कराई जाएगी, इसको लेकर घोषणा हो चुकी है। और ऐसे में इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में इस बैठक में कुल 26 राज्यों के राजद के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, साथ ही साथ कई मुद्दों पर इस बैठक में समीक्षा भी की जाएगी। इस कार्यकारिणी बैठक में राजद के द्वारा चुनाव भी कराया जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या कुछ बड़ा होने वाला है राजद के इस कार्यकारिणी बैठक के दौरान, किन मुद्दों पर समीक्षा और चर्चाएं होंगी और किस बात का चुनाव राजद की तरफ से कराया जाएगा। आखिर ये जो कार्यकारिणी बैठक है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, आइए डिटेल्स आपको बताते हैं। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 20 फरवरी 2022 को होटल मौर्य में होगी। इस नए साल में होने वाली राजद की सबसे महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसमें 26 राज्यों के राजद के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। गौरतलब है कि राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल 10 दिसंबर 2022 को पूरा होने जा रहा है। यह कार्यकाल 3 वर्षों का होता है। जानकारी है कि 10 दिसंबर 2022 के पहले राजद अपनी तमाम तरह के संगठनिक कार्य पूरा कर लेगी। इस बैठक में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के साथ ही अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। नए साल में राजद अपने सांगठनिक चुनाव भी कराए